अच्छा अच्छा सुबह धमकी मिली है अभय चौटाला जी को, विदेश से कॉल आया है, क्या कहें? मुझे तो हैरानी होती है कि धमकाने वालों को धमकियां मिलने लग गई और वो इससे डर भी गए, पुलिस स्टेशन भी गए। अब ये कल्चर सा बन गया हरियाणा में, पूरे देश में, विदेश से कॉल करवाओ, दो सिक्योरिटी गार्ड हासिल कर लो। आज स्थिति ये है कि जब उन्हें कोई पूछ नहीं रहा, कोई टेलीविजन चैनल उनको चर्चा पर विषय नहीं दे रहा, कोई स्पेस नहीं दे रहा, लोग उनके बारे में सुनना नहीं चाहते, तो वो बार बार अब कोई नई चीज़ ले आए। हम तो ये सुना करते थे कि अभय सिंह जी धमकाया करते हैं, अब वो ये धमकियां उन्हें मिल रही हैं, तो ये तो भाई कोई बड़ा ही बदमाश है जिसने धमकी दी है। क्या आपको लगता है कि कोई सहानुभूति बटोरने के चक्कर में कोई ऐसा भी कोई कौन सहानुभूति देगा इन बात? दुष्यंत जी देखो कभी तो पिछली बार वहीं पे थ्रेट हुआ था हैं दुष्यंत जी को, तो हाँ तो कोई बात नहीं, थ्रेट का हमको किसी बात से डरे थोड़ी थे। कोई थ्रेट तो दुनिया भर के मिलते रहते हैं, कोई हमें नहीं देता थ्रेट, ये कोई बात नहीं है। थ्रेट तो देखो मैं ये मानता हूं कि ये केवल मात्र एक स्टंट है और इससे ज्यादा कुछ नहीं, और कौन थ्रेट देगा, थ्रेट किस मामले का? थ्रेट तो इनको दिया था ना एक बारी जब सरकार थी, कहते पाकिस्तान से कॉल आई थी, तो क्या पता वो पुराना कोई हिसाब किताब पेंडिंग होगा।